अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 2 है चैप्टर नंबर 2 की, उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 24 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया, क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें सिंप्लीफाई करने का हमें बताया गया है कि फाइंड करनी है हमने वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये दो टर्म्स दे दी गई हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई ये किस तरह से, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम रियल पार्ट को अलग करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। क्यों? क्योंकि जब सेंटर में इक्वल साइन है तो इट मीन्स के दोनों का रियल पार्ट जो होगा वो बराबर होगा, और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा। यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की गई है। 2 multiplied by x 2x + 2y iota - 3xi और माइनस प्लस माइनस माइनस 3y iota² ये जो अयोटा स्केयर है हमारे पास, ये अयोटा स्केयर इज इक्वल है -1 के। तो अयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया, तो ये माइनस माइनस प्लस। तो एक ये रियल वैल्यू आ रही है, एक ये रियल वैल्यू आ रही है। दोनों को रियल को हमने एक साइड पे कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उनको एक साइड पे कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, देखिए रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट की इक्वल आ गया हमारा, जो हमने दोनों साइड को कंपेयर किया। ये हम तब कंपेयर कर सकते हैं जब सेंटर में इक्वल साइन है। जब दो साइडों के लिखी हुई स्टेटमेंट है और सेंटर में इक्वल है, मतलब कि ये दोनों जो है ये इक्वल है, और ये इक्वल होंगी तो इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग डेफिनेशंस में पढ़ी। इसकी ये प्रॉपर्टी है इक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये जो काम है हम इक्वालिटी प्रॉपर्टी की वजह से कर पा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो रियल पार्ट से आ रही है वो ये इक्वेशन है, और जो इमेजिनरी पार्ट से आ रही है वो ये इक्वेशन है। तो हमें दोनों को सेम करने के लिए, कि हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर और मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने कोफिशिएंट्स को सेम किया है। लाइक हम इसको 3, हम ये वाले सेम कर सकते हैं, एक्स वाले और फाइव वाले भी सेम कर सकते हैं। हम जो चाहें वो कॉफिशियंट सेम करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कॉफिशियंट्स हमने क्या कर लिए, सेम कर लिए, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रो को करेंगे, तो बाकी हमारे पास वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू जो है, ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 दो इक्वेशन है, हम इस किसी में से भी पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, और एक्स इज इक्वल है -1 आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम इसी तरह से है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपली मल्टीप्लीकेशन की हुई है 4x और प्लस xy iota - 4 2s are 8 iota - 2y iota² ये भी iota स्केयर जो है, जब इसको कैंसिल किया जाएगा तो यहाँ पर जो है ये प्लस साइन आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये प्लस आएगा। और फिर हम रियल पार्ट को एक साइड पे कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 + 2 iota। अब इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इक्वालिटी प्रॉपर्टी के जरिए हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल किया, तो हमारे पास 4x + 2y = 4x + 2। अब यहाँ से 4x 4x, क्योंकि दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड पे, तो 2y = 2y = 1 आ गया। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, xy - 8 = 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x की, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपने उसको थोड़ा सा और ईजी कर देना है, कि जो उसका आंसर है ना वो थोड़ा शॉर्ट आ जाए। जैसे भी यहाँ पर ये जो है ये 4 नंबर्स हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको कंबाइन करके 2 नंबर्स आ जाएं। जैसे कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को सम किया गया है, तो दोनों को हमने सम करके इसका आंसर दे देना है।
जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम करने का मेथड वही है कि रियल पार्ट में होगा ऐड, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में होगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए गए हैं और उनके साथ स्केलर मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये स्केलर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2s are 4 + 2 8 + 3 7s are 21। इसी तरह से अब नेक्स्ट इन सभी को रियल पार्ट को रियल पार्ट में हमने कंबाइन किया, 4 × 21 17 और 12 2 49 होता, तो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन में हमारे पास अयोटा की पावर्स दे दी गई हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अयोटा जो है ना वो जो भी पावर होगी ना, आपने कोशिश ये करनी है कि जो उसमें से इवन पार्ट है ना वो अलग कर देना है, कि अब ये 25 है तो ये 24 + 1 होगा 25। देखिए हमारे पास 25 = 24 + 1, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो जो 1 वाली है वो अयोटा साइड पे हमने कर दिया, 24 वाला हमने एक साइड पे कर दिया। इसी तरह से 19 है तो 19 का भी 1 और 18 अलग कर दिया। अब 10 है, 10 ऑलरेडी इवन नंबर है तो 10 को हमने इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 24 को हमने, 24 में से हमने निकाले हैं जो 2 अयोटा स्क्वायर और जो बाकी टर्म है वो पावर में आ जानी है। आपने जितना भी यहाँ पे 24 की जगह पे कोई भी नंबर होगा तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, इनफैक्ट हमने करना ही है कि हमने जो स्क्वायर होगा ना अयोटा स्क्वायर टर्म वो अंदर रख लेनी है ब्रैकेट में और जो बाकी है पावर बाहर ले जानी है। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। अब ये जो पावर है ना, अगर तो ये नंबर इवन है तो ये -1 जो होगा ये 1 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अगर ये नंबर ऑड होगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे कि देखिए अयोटा स्क्वायर पावर 9 तो ये -1, ये जो है 9 है तो 9 की वजह से ये माइनस जो साइन है ना नेगेटिव साइन, ये एज इट इज बाहर आएगा। -2 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये आपके पास सिंपली। अब अयोटा जो है देखिए हम, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व होगा, रियल रियल में तो 1 + 2 3, नेक्स्ट है -3 और 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 अयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, उसको भी सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, फिर हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये टर्म आ गई, और इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 - 3 iota - - +3। तो अब रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में, तो 2 - 3, देखिए -3 + 2 तो ये क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन जो आएगा वो हमेशा बड़ी रकम के साथ वाला आएगा, तो ये -1 आ जाएगा, -iota प्लस 5। नेक्स्ट अब ये भी दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा से, अयोटा स्क्वायर -iota² + 5iota + 2, ये देखिए -2iota और -10, 2 multiply by 5, ये आपके पास 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, देखें -iota² = है, क्योंकि iota² = है -1 और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दिया इमेजिनरी पार्ट, अब रियल पार्ट और रियल पार्ट, तो ये भी कंबाइन हो गया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बी हमें क्वेश्चन नंबर 31 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर 3 multiply होगा अयोटा से, इसी तरह से 2 iota multiply होगा -1 से, फिर 2 iota multiply होगा अयोटा से, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, 8 multiply by 6, फिर 8 multiply by 2, इसी तरह से फिर -3, -3 iota जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 18 से, -3 iota multiply होगा 2 से, और ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। अयोटा स्क्वायर जहां पे भी आएगा वहां पर आपने -1 लगा देना है, तो -1 लगाने के बाद ये जो है ये रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों रियल पार्ट्स को ऐड कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों ये कंबाइन करके 2 iota आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास नोमिनेटर में दो टर्म्स नहीं दी गई हैं, बल्कि डिनोमिनेटर में जो टर्म दे दी गई है ना उसमें iota दे दिया गया है,
जैसे कि हमने ना स्टार्ट में भी डिवीजन प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी, तो डिवीजन प्रॉपर्टी में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो डिनोमिनेटर टर्म है ना, उसमें अयोटा नहीं आना चाहिए हमारा. हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केसेस में जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं या डील कर रहे हैं ना, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो डिनोमिनेटर में अयोटा है ना, इसको खत्म किया जाए. तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे भी हमने सेम केस किया, मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन बाय दिस. इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इसको डिवाइड भी कर दिया है, और जो डिवाइड किया हुआ है उसको हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया है, और सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ गया. अब इसमें डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं है. आई थिंक ये सिंपल ही है, अभी आप कर लेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है. तो डिनोमिनेटर में जो अयोटा टर्म आई है, हम जब उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए, हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना इन दोनों को, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, वो ये वाली यूज हो रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज की जा रही है यहाँ पे, उस डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है. और ऊपर क्योंकि अयोटा था, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. अब अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल होता है -1, और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, ये +1 हो जाएगा, अयोटा +1. इधर हमारे पास 1 माइनस अयोटा. अब अयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 है, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया, अयोटा +1/2. तो अब हमारे पास देखिए, यहाँ पर बी इस आंसर में अयोटा मौजूद है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में नहीं है. अगर वो डिनोमिनेटर में होगा, तो हमें फर्दर अगेन इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. अगर तो वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये हमारा आंसर है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 जो है, उसमें भी सेम यही रूल्स हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा टर्म आ रही है, तो उस अयोटा टर्म को जो डिनोमिनेटर में है उसको हमें खत्म करना है. तो उसके लिए हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं. और जो डिवाइड में, देखिए डिनोमिनेटर में वही प्रोसीजर हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर. तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह टर्म्स कैंसिल भी करनी पड़ेंगी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, और न्यूमिनेटर में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन की है. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखिए, अयोटा स्क्वेयर आ गया है माइनस, तो -1 हुआ, ये +1 हो गया, और ये दोनों को कंबाइन किया तो ये -2 अयोटा है. देखिए -14, -14 और 12, तो ये प्लस माइनस माइनस और नेगेटिव साइन जो होगा वो बड़ी रकम वाला आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट, यहाँ पर रियल पार्ट को कंबाइन कर दिएगा और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके ये आंसर आपके पास आ गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 में भी देखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो हमें देखिए, हमें इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर तो हमारा डिनोमिनेटर वाला अयोटा खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें फिर अगेन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर स्केयर फार्मूला ओपन किया है. हमारे पास जो स्केयर फार्मूला होता है, ए स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB. तो वो यहाँ पर किया ए ए स्केयर बी स्केयर माइनस, ये माइनस जो है -2AB नहीं आएगा, यहाँ पे +2AB आएगा. तो +2AB, ए हमारे पास क्या है, 1 है, बी जो है हमारे पास अयोटा है. तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा +2 आपके पास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. 37 में हमारे पास अगेन वही है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दे दी गई हैं उनमें अयोटा आ रहा है. हमें पहले इन दोनों को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया, और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट एज इट इज रहने दिया. अब डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा टर्म आ गई है, इस अयोटा टर्म को हमें खत्म करना है. तो इस अयोटा टर्म को खत्म करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब ऑलरेडी क्योंकि अयोटा टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो जिसका कॉन्जुगेट होगा वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा. हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारी वही प्रॉपर्टी यूज होगी, फॉर्मूला जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल है ए प्लस बी, और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो वही हम उसको फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं.
और फॉर्मूले को यूज करने से हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं. अब देखें, सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म नहीं है, तो ये आपका आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38. अब क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. तो डिनोमिनेटर में जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमिनेटर वाले भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब इस फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आया, इसमें भी इसमें डिनोमिनेटर में अयोटा टर्म मौजूद है, तो उसको खत्म करने के लिए हम इसका कंजुगेट से लेंगे और इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कंजुगेट से हम इसे डिवाइड भी कर देंगे. तो हमारे पास जो है यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से ऑनवर्ड. तो इन क्वेश्चन नंबर 39 to 42 फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. अब हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो हम फाइंड आउट करने के लिए, लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, जी इज इक्वल है 4 + 7 iota. तो जी का कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, जी इनवर्स जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास 1/z, यानी कि हम जी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 1/4 + 7 iota. अब हमारी जो प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी iota टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, तो हम उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट भी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी इज इक्वल है -3 + 2 iota. इसी तरह से हमें जी का जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है, तो जी इनवर्स इज इक्वल है 1/z. तो ये हमारे पास आ गया जी डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया. अब डिनोमिनेटर में iota टर्म आ गई है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41. तो क्वेश्चन नंबर 41 जो दिया गया है, इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी. इसमें रियल पार्ट जो है वो 0 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है. लेट जी इज इक्वल टू 4 iota है, देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है हमारे पास 1/z का वो 1/4 iota है. अब iota टर्म का जो कॉन्जुगेट होगा वो -4 iota होगा, तो हमने डिनोमिनेटर में जो iota टर्म है उसको खत्म करने के लिए -4 iota से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास माइनस सिंबल एज इट इज, 4 × 4 = 16 iota square. iota square इज इक्वल -1, तो -1 + 16 हो जाएगा. तो ये आपके पास जो 1/-1/4 iota आ गया, iota क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 में जी आपको दे दिया गया है 1/2 + iota. अब जी कॉन्जुगेट जो जी हम लेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो 1/z होगा, मींस के हम जी को यहाँ पर रखेंगे 1/ की फॉर्म में, तो 1/1/2 + iota, तो ये टर्म एज इट इज ऊपर चले जाएगी. ये कैसे जाती है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हम इसको इसके साथ एज इट इज जो है ना 1/ की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, तो ये जो टर्म होती है ये आपकी ऊपर आ जाएगी, तो 2 + iota. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक करते हैं. तो 43 से 48 तक जो क्वेश्चन है इनमें हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है. मॉडुलस का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो इस फॉर्म में लिखा होता है, a + iota b की फॉर्म में, तो हमने क्या करना है, a² + b² हमने इसके रियल पार्ट का स्केयर लेना है प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्केयर लेना है और अंडर स्केयर रूट. तो हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट जी इज इक्वल टू दिस, ये एक रियल नंबर दे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, सॉरी ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव √3 है. अयोटा कभी भी नहीं आता है इमेजिनरी पार्ट में, अयोटा जो है वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये इमेजिनरी पार्ट, मीन्स कि अयोटा एक सिंबल है जो कि हमें बता रहा है कि ये जो अयोटा के साथ वाली टर्म है ना ये इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है. यहाँ पे ये चीज आपने जरा अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है. अब जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो z mod इज इक्वल है स्केयर रूट रियल पार्ट स्केयर प्लस
जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर। तो ये इमेजिनरी पार्ट ये पूरा कंप्लीट है, क्यों माइनस क्यों साथ हम लेके जा रहे हैं, ये नेगेटिव क्यों साथ जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिनल फॉर्म है ना, वो ये वो प्लस की फॉर्म में, और ये जो नेगेटिव है ना ये इसके साथ है, ये स्केयर रूट 3 iota नेगेटिव ये एक है। ये सिंपली ये जो जी है ना, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो वो ये इस फॉर्म में है, ठीक है? तो इसलिए ये जो नेगेटिव सिंबल है ना, कि बी है, ये हमारा बी होगा और ये हमारा ए होगा, और ये हमारा जो अयोटा है ये शो कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है बी। तो जी मॉड इज इक्वल है 1 square प्लस नेगेटिव स्केयर रूट 3 square। अब स्केयर की वजह से ये नेगेटिव सिंबल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्केयर रूट जो ये स्केयर से कैंसिल होके 3, और ये आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, 6 iota। अब 6 iota जो है, क्योंकि अयोटा है तो ये सिर्फ एक ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो रियल पार्ट तो है लेकिन वो 0 है। तो लेट जी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब हम जब इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल जो रियल पार्ट है पहले उसका स्केयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर, तो स्केयर रूट, तो 0 + 36 और 36 = 6। क्वेश्चन नंबर 45, 2 = 2 + 0 iota। लेट जी इज इक्वल है 2 + 0 iota, मीन्स कि एक रियल नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो इसके जो रियल पार्ट है उसका स्केयर, और स्केयर रूट और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि 0 है तो 0 लेंगे, 0 का स्केयर, और ये जब हम सॉल्व करेंगे मॉड जो है वो 2 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, लेट जी इज इक्वल टू 4/3 + 5/3 iota। जी मॉड में क्या होगा, हमने रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट, और इसको सॉल्व किया है, स्केयर ओपन किए हैं, स्केयर ओपन करने के बाद इन दोनों को हमने सिंपल सॉल्व करके ऐड किए हैं, तो ये 41 आ गया। 41 जो है वो स्केयर रूट उसका हम अगर करते भी हैं तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई नहीं किया, जस्ट स्केयर रूट 21 और 3 का स्केयर, 3 स्केयर जो होगा वो 9 होता है, तो ये स्केयर जो है कैंसिल होके आपके पास 3 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो है देखिए, ये इसमें हमें दे दिया गया है कि हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है इस नंबर का, जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ये हैं और चौथा ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें 1 by 1 करके इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 9iota + iota - 3iota² तो ये 3 = 6 हो जाएगा, और ये दोनों -8iota। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 2 6 are 12 और -16iota + 6iota - 8iota². अब आयोटा टर्म्स एक साइड पे, और जो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये 12 20 और ये दोनों -10iota। उसके बाद अयोटा क्योंकि बाहर भी है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अयोटा स्केयर की वजह से ये जो नेगेटिव है, ये क्योंकि इस नेगेटिव सिंबल की वजह से ये जो था ये पॉजिटिव हुआ था। तो जी इज इक्वल है -10 - 20iota। अब जी का जब हम लेंगे मॉडुलस तो रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर। अब नेगेटिव जो है वो रियल पार्ट के साथ आ रहा है, तो वो एज इट इज आ गया, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड भी है, और हम उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी इजी है, लेकिन अगर आप इसी को लेके चलें तो बेटर है। क्वेश्चन नंबर 48, 48 जी इज इक्वल टू दिस, ये आपको दे दिया गया है 3 + 2iota और -1 + iota / 4 + 3iota। तो हम जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमें डिनोमिनेटर में भी अयोटा टर्म नजर आ रही है, इट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, और सब डिवाइड भी करना पड़ेगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो डिनोमिनेटर में अयोटा टर्म है उसको खत्म करेंगे, तो अयोटा टर्म को खत्म करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पर ये आपके पास अयोटा टर्म खत्म हो गए। अयोटा टर्म को खत्म करने के बाद अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो ये हमने जी इसका मॉडुलस ले लिया।
इसको करने का एक ये मेथड है, और जो दूसरा मेथड है वो मॉड की प्रॉपर्टी से किया गया। मैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने दोनों साइड्स पे मॉड इंप्लीमेंट कर दिया। मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड जो होता है वो इंडिविजुअल भी इंप्लीमेंट हो जाता है, तो हमने उसको इंडिविजुअल हर एक पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो हमने इस टर्म का अलग से मॉड ले लिया, मॉडुलस इस टर्म का हमने अलग से ले लिया और इसका हमने अलग से ले लिया, और सभी का मॉडुलस अलग अलग करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो दोनों का सेम ही आएगा। बट ये मॉडुलस वाला जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, जल्दी आपको इसे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, कि हमने प्रूव करना है कि सम जो है ना, सम एज वेल एज प्रोडक्ट, कि सम और प्रोडक्ट जो है ना कोई से दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट, या कोई से भी दो कॉन्जुगेट ले लें तो इसका मतलब होगा वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन रहे हैं, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। देखें अब अगर कॉन्जुगेट को हम नंबर ले लेते हैं, अगर हम एक ये नंबर ले रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी योटा। अगर हम इसको नंबर ले रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस बी योटा, तो वो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ओके, तो वो यही चीज बता रहा है कि एज वेल के प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, कि हम वो प्रोडक्ट लें या हम सम लें, दोनों ही में आंसर जो आना चाहिए वो एक रियल नंबर आना चाहिए। अब ये जो है ना, ये हम क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं तो हम इसको जनरल में करेंगे, ठीक है, हम कोई पर्टिकुलर केस लेके भी करके बता सकते हैं इसकी, लेकिन हमें इसको जनरल पहले प्रूफ करना पड़ेगा। लेट ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। बी द टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन सम इज इक्वल है ए प्लस बी योटा प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी एटा, तो ये अयोटा बी, ये दोनों कैंसिल होगी तो जो आंसर आएगा वो 2a एक रियल नंबर आ गया। अब जब दोनों का प्रोडक्ट लिए तो वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, ए प्लस बी, हमारे जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तकरीबन ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा आपके पास, ये नंबर आ जाएगा। तो ये जी आपके पास आ गया है ए स्केयर माइनस, क्योंकि यहाँ पे बी अयोटा है तो ये बी अयोटा स्केयर आ गया। अब ये अयोटा का जब हम स्केयर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अयोटा स्केयर नेगेटिव वन आएगा आपके पास, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये एक रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें अयोटा टर्म नहीं आ रही है। नेक्स्ट कह दिया गया, हेंस सम एज वेल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, के सम और प्रोडक्ट जो दोनों ही आएंगे ना दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो भी एक रियल नंबर होगा। अब इस केस की आप काफी सारी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 50 से 51 तक हम करेंगे। इफ जी इज इक्वल टू दिस, जी हमारे पास दे दिया गया है 2 + 5 iota, देन हमें क्या शो करना है, देखिए देन हमें देखिए जी आपके पास ये है तो इसका डबल टाइम कॉन्जुगेट लेना है, तो ये तो बहुत इजी चीज है ना, आपके पास डबल टाइम कॉन्जुगेट इसके इटसेल्फ के इक्वल है। ये अभी हमने ऊपर लिया है कि अगर हमने ए का कॉन्जुगेट लिया, हम अगेन लेते हैं तो ये यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो लेट हमारे पास जो जी है वो ये दे दिया गया है 2 + 5 iota, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड से इसका कॉन्जुगेट लिया, और कॉन्जुगेट लेने के बाद कॉन्जुगेट से हम करते क्या है, हम जो इसमें योटा के साथ जो होती है ना, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो सिंबल आ रहा है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर देते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये आपके पास हो गया जी सिंपली कॉन्जुगेट, इस पॉजिटिव को हमने नेगेटिव कर दिया। अब जब अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल हो गया जी जी के, तो हम क्या कहेंगे, जी का डबल टाइम कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये किसी जी नंबर के लिए इंप्लीमेंट हो रहा है, ये कोई भी जी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में मॉड की प्रॉपर्टीज को बताया गया है कि जी मॉड, मॉड जो है ना वो जी जब एक नंबर है ना, मॉड सभी का सेम आएगा। वो ये बताया गया कि अगर हम जी का मॉड ले लें, या हम माइनस जी का मॉड ले लें, नेगेटिव जी का मॉड ले लें, या हम जी कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, या हम नेगेटिव जी कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, सभी का आंसर सेम आएगा। वो ये चेक करके जी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक दे दी गई है तो आपको उसी को करना है। तो जी इज इक्वल टू 2 + 5 iota, तो जी मॉड इज इक्वल टू स्केयर रूट 2² + 5², तो ये आंसर आ गया जी 29। अब नेगेटिव जी है,
तो ये जो नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव है, ये दोनों के साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 -5 आयोटा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगेन 29 आ जाएगा। अब हम जी का कंजुगेट लेके उसका आंसर लेंगे तो वो भी 29 आ गया। अब नेगेटिव जी उसके बाद उसका कंजुगेट, तो फिर भी हमारे पास √29 ही आंसर आया। फ्रॉम 1, 2, 3, 4 सभी से प्रूव हो गया है कि सबका आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए गए, एक Z1 है और एक Z2 है, और मॉड की प्रॉपर्टी को चेक किया गया है कि जो मॉड है ना, वो अगर तो दोनों का हम कंबाइन लेते हैं या दोनों का सेपरेट सेपरेट लेंगे तो वो इक्वल आंसर देंगे। तो जस्ट इसको चेक करना है, हम Z1 एक नंबर रख लिए, ये हमें गिवन है, Z2 गिवन है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से हमारे पास नंबर आ गया है। अब इस प्रोडक्ट का हम मॉडुलस लेंगे तो वो आपके पास आंसर आ गया है, वो मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया है, 5√2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हमें Z1 का अलग से मॉडुलस, Z2 का अलग से मॉडुलस, और देन इनका प्रोडक्ट। तो हम Z1 का मॉडुलस लेंगे, फिर हम Z2 का मॉडुलस लेंगे, दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेने के बाद हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमारा इक्वेशन 1 का आ रहा है। तो दोनों से हमने क्या नतीजा खर्च किया है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट और द लीस्ट वैल्यू। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है वो हमारी आती है जी मॉड प्लस Z1 प्लस Z2 इनके मॉड से, और जो लीस्ट आएगी वो इससे आएगी। मींस कि हमारे जो रिलेशन होती है ना, यहाँ पर जो चीजें थोड़ी सी मिसिंग है वो ये है कि Z1 मॉड मॉड माइनस Z2 मॉड मॉड ये लेस इक्वल होता है Z1 माइनस Z2 मॉड, ये लेस इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 मॉड, ये प्रॉपर्टी लेस इक्वल होती है Z, सॉरी यहाँ पे मैंने अगेन दो दफा लगा दिए, यहाँ पे सिंपली टाइम एक ही टाइम आना है, Z1 प्लस Z2। तो हमें जब ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो हमें वैल्यू इसमें पुट करनी, जब हमें लीस्ट चाहिए तो हमें वैल्यू इसमें पुट करनी। तो ये आसान सा फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स में, हाँ, लेकिन आपकी बुक में ये भी इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, जस्ट एक क्वेश्चन दे दिया गया इससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपको इसका फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया जी। अब यहाँ पर किया क्या गया है कि Z1 का मॉड, अब हमें ये प्रॉपर्टी को चेक करना है लीस्ट के लिए, और ये प्रॉपर्टी को हमने ग्रेटर के लिए चेक करना है। ग्रेटर वैल्यू ऑफ दिस Z1 का मॉड आपको गिवन है, Z2 नहीं दी, Z2 दे दिया गया, Z2 का मॉड नहीं दिया गया, तो Z2 का मॉड हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होगा सेपरेट सेपरेट, वो आपके पास 12 आ गया। इसी तरह से लीस्ट के लिए हमें इन दोनों का, तो वो Z1 माइनस Z2, और वो दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 24 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।